सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हैं रोविंग लामा। होप यू गाइज आर कीपिंग सेफ। इट्स अ टफ टाइम, कोविड के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं एंड इट्स बीन अ वाइल सिंस आई पोस्टेड एनीथिंग ऑन दिस चैनल। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में एक साथ जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट नाउ आई एम बैक और अब लगातार वीडियोज़ आएंगी। पूरी जो है राजस्थान सीरीज़ वो मैं कम्प्लीट करूँगा और बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं वो भी लाइंड अप हैं। फ़िलहाल कुछ लाइफ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। एक छोटा सा हिंट मैं आपको देता हूं दैट आई एम मूविंग टू माउंटेंस। कब कहाँ और कैसे जा रहा हूं दैट यू कैन गेट टू नो ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज़ माय यूज़र आईडी, यू कैन कनेक्ट विथ मी हेयर ऑन इंस्टाग्राम। फ़िलहाल शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आमेर फोर्ट। सो लेट्स बिगिन। ये पूरा हो गया पहाड़, पहाड़ी वाली एरिया हो गई जो कि इसके ऊपर सारे फोर्ट्स बने हुए हैं। टाइगर, ये टाइगर फोर्ट है, ये जयगढ़ फोर्ट है और ये नाहरगढ़ फोर्ट है। ये दिल्ली के लिए रास्ता निकलता है। हम अभी हैं इस जगह पे, कहाँ पे? यहाँ पे जय निवास, इस वाले एरिया पे। ये पूरा जो है आपका पिंक सिटी, ओल्ड जयपुर आप बोल सकते हैं, वो वाला एरिया है। और ये जो है वॉल्स जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर के, पूरे अभी भी वॉल्स से सब कुछ कवर्ड है, पूरा कवर्ड है। और यहाँ पे एग्जिट के लिए 11 गेट्स बनाए गए थे, तो 11 गेट्स के अलावा और कोई एग्जिट नहीं है। और जो आप ये सब एरिया देख रहे हैं ये न्यू जयपुर है, न्यू जयपुर है। ये सब कुछ राजा ने बसाया था, ये पूरा राजा का बसाया हुआ है। इंटरेस्टिंग, आप रख रहे हो भैया, ठीक है ठीक है। आने के दो रास्ते, महल पे आने के दो रास्ते। जिस गेट से एंट्री करेंगे वो है मून गेट, चांदपोल गेट। जहाँ से मून राइज वहाँ मून गेट, जहाँ से सनराइज वहाँ सनपोल सुपर पोल गेट, जिसे मून गेट। ये किसने बनवाया था? ये राजा की द्वारा उसी टाइम। ओह क्या आर्किटेक्चर है भाई। अब इसका ये जो तोरण द्वार है ये इसको तोरण द्वार बोलते हैं। ओके लगे बताएं सर। हाँ सर, 137 साल इसको बनने में लगे, तीन राजाओं ने इसको बनाया सर। सबसे पहले माधो सिंह आए, यहाँ पे मीणों का रास्ता सर, पहले भील मीणे होते थे जाति, तो उनको रातों रात काटा पीटी करके या फिर राजपूतों का राज हुआ सर यहाँ पे। अब अकबर का जब शासन था, जब अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर बादशाही करी है सर, तो यहाँ पे जो जोधाबाई थी, यहाँ जोधाबाई से यहाँ पे निका दुआ किया है। वो हवेली भी आपको मैं बाद से बताऊँगा। रॉयल फैमिली पहले इस पैलेस से पहले उसमें रहती थी सर। अच्छा अच्छा, ये तो बाद में बना है, ये तकरीबन 600 साल 700 साल के बीच हुआ है सर इसको बने हुए। मगर उससे पहले 1000 साल पुरानी उनकी जो पुराना था रॉयल फैमिली का घर, वो आगे है सर। आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, उनकी वाइफ है लेफ्ट में पद्मनी देवी, ये भी प्रेजेंट है। और राइट साइड में उनकी डॉटर है दिया कुमारी, जो भी पीए वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके बेटे हैं जो एडॉप्शन किया था इन्होंने भवानी सिंह ने। क्या नाम इनका? प्रेजेंट किंग है सवाई पद्मनाभ सिंह, जिनका एज है 18 ईयर। ओके, और ये गायत्री देवी का फोटो, ये 2010 में, ये मान सिंह द्वितीय की वाइफ थी, महाराजा सवाई मान सिंह साइकिल की थर्ड नंबर की वाइफ। ब्यूटीफुल
तो जो अंबर फोर्ट था वो सब हमने घूम लिया अंदर तक, सब कुछ कवर कर लिया है। एक्चुअली मैं हाइपरलैप्स वीडियो बना रहा था उससे, तो एक पुलिस वाला है, बोलते हैं कि वीडियो डिलीट करो एंड ऑल, अलाउ नहीं है। हाँ, बट मैंने कहा कि मैंने उनसे टाइम बाय किया, मैंने उनको बोला ठीक है अपने जो हेड है आप उसके पास ले चलो। वो लेके जा रहे थे रास्ते में, उसके बीच में मैंने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया, और करना पड़ता है भाई थोड़ा बहुत इलीगल काम, क्या कर सकते हैं। अगर वहीं पैसे में देता तो ये बनाने देते, तो मैंने ट्रांसफ़र किया और फिर उनसे बोला कि ठीक है मैं डिलीट करता हूँ, और मैंने कैमरे से डिलीट कर दिया। वहाँ से बाहर आने के बाद आप यहाँ पे स्नैक्स वगैरह सब ले सकते हैं। मैंने चाय लिया है और टाइम हो रहा है अभी 3 बज रहे हैं, और शायद मैं अभी इसके बाद जाऊंगा सीधा हॉस्टल। दिस इज़ राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे जो लोकल आपके आर्टिस्ट हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट जो का जो काम करते हैं, वो लोग अपने सामान जो है यहीं पे बेचते हैं, तो वो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे बना के यहाँ पे प्रोक्योर करते हैं, और यहीं से जयपुर और आसपास के जो जगह है वहाँ पे सप्लाई होती है। बहुत ही ज़्यादा आइटम्स यहाँ पे देखने को, अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट या शॉल या फिर चूड़ियाँ, कंगन और बहुत बहुत सारी चीज़ें, स्टोन वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, शॉल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको अंदर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वन स्टॉप शॉप है ये। तो यहाँ पे आप फोर्ट से वापस आते समय ज़रूर रुकें। चले भैया, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आमेर फोर्ट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।